चारा घोटाला मामले में जमानत पर बाहर आए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की परेशानी बढ़ गई है। उनके साथ साथ उनकी बेटी भी सीबीआई की कार्रवाई की चपेट में आ गई है। दरअसल सीबीआई ने लालू और उनकी बेटी के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान भर्तियों में कथित अनियमितताओं के लिए नए सिरे से केस दर्ज किया है। भ्रष्टाचार के इस मामले में कार्रवाई करते हुए सीबीआई की टीम पटना स्थित राबड़ी आवास समेत उनके 17 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बता दें कि चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने बीते महीने 22 तारीख को जमानत दी है। जमानत के बाद उन्होंने कुछ दिनों तक एम्स में अपना इलाज कराया, जिसके बाद से वे अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के घर पर हैं। मालूम हो कि सुनवाई से पहले ही अधिक तबीयत खराब होने की वजह से लालू को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स लाया गया था। हालांकि उस वक्त काफी ड्रामा हुआ था। एम्स के डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें सामान्य बताते हुए रांची के रिम्स में ही इलाज कराने को कहा था, जिसके बाद वे वापस लौटने की तैयारी में थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें भर्ती ले लिया गया था।